Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ जी, क्या हाल चाल है ECL के? टेस्ट हो गया मैम चेक? क्या हो गया? टेस्ट मैम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे ना. ओके मैम. चलो ECL के हाल चाल बताओ, आप कैसे हैं? क्या क्या पढ़ा? मैम GU के पेपर है मेरे आज से. ओह यस, कितने बजे? 2:30 है मैम. ओके 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 ओके. अच्छा बताओ, आज स्टार्ट क्या करना था हमें? कंपटीशन एक्ट? यस मैम, पार्ट भी करना था. ठीक है. चलो जी, स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट बी, मींस चैप्टर नंबर 12. ये आ गया है हमारा कंपटीशन एक्ट, और हमारे कंपटीशन एक्ट का ईयर है बच्चे 2002. अब पहले समझते हैं बच्चे कंपटीशन है क्या. यूजुअली हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सुना हुआ है, तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चे? That surrounds business. Factor that surrounds the organization. और ये जो factor होते हैं कहीं ना कहीं बच्चे, they have impact on the environment. अब ये business environment पे कोई ना कोई impact तो डालेंगे ही डालेंगे ना. अब वो जो impact है उसका result फेवरेबल है या नहीं है उस पर पता चलता है. नेक्स्ट, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या कंपटीशन बिजनेस के लिए जरूरी है या नहीं है? है मैम. है. अगर हम बोलें कि कंपटीशन है क्या, तो यूजुअली बच्चे वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो बिजनेस को उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने में
और अचीव करने में हेल्प करती है। अब ये जो एनवायरमेंट है या ये जो कंपटीशन है, इसके लिए हमें दो क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज फेयर एंड हेल्दी। एंटी कॉम्पिटेटिव एजेंट्स, उनसे आपको बचना पड़ेगा। आप ऐसे कोई भी एक्ट ना करें विच क्रिएट्स अनहेल्दी एनवायरमेंट। ठीक, अब कंपटीशन क्या है बच्चे? अगर देखा जाए तो है तो राइवलरी ना, लेकिन किसके बीच में है? ये है मार्केट प्लेयर्स के बीच में। इसको बोला जाता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन मार्केट प्लेयर्स एंड इट इज डन टू अट्रैक्ट बायर्स। तो एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि फेवरेबल है ये तो हमारे लिए। इससे क्या होता है बच्चे, अगर कॉम्पिटिशन है तो यूजुअली कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर्स एज वेल एज टू कस्टमर्स। कंपटीशन क्या प्रोवाइड करता है? बेनिफिट देता है किसको? प्रोड्यूसर्स को भी और कस्टमर्स को भी। कैसे बच्चे? प्रोड्यूसर्स एनहांस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस, और कस्टमर्स को इस कंपटीशन की वजह से बच्चे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। तो कंपटीशन एक 2002 क्या कहता है बच्चे, बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर दैट सराउंड्स द ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फेवरेबल और नॉट फेवरेबल। नेक्स्ट आता है बच्चे, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको डिस्क्राइब किया और ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार नोट करते रहना बेटा साथ साथ। नेक्स्ट स्लाइड खोलना मैम एक बार। नेक्स्ट मैम। Thank you.
हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब देखो जी क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट पूछे, अगर कंपटीशन की वजह से गुड्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूव होती है तो इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स हेल्प करती है किसमें बच्चे? वर्ड यूज करोगे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड, कंज्यूमर्स कैन एक्सेस टू द वाइडेस्ट रेंज। ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स विल बी बेनिफिटेड बाय। उनके पास बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे बच्चे। सबसे पहला फैक्टर्स तो अगर मैं बोलूं, बार बार इनोवेशन, इनोवेशन की वजह से जो मार्केट डिमांड है वो मेंटेन रहेगी, कस्टमर्स मूव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, कई बार रिडक्शन इन कॉस्ट, क्योंकि जब बल्क में प्रोडक्शन होती है या फैक्टर इनपुट बेटर वे में मिलते हैं तो रिडक्शन इन कॉस्ट। अब देखो बच्चे एक और चीज याद रखो, जब भी प्रोडक्ट की वाइडेस्ट रेंज अवेलेबल हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सेम रेंज के, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, देयर इज नो चांस ऑफ मोनोपोली। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन क्या करता है बच्चे, कंपटीशन डज नॉट क्रिएट मोनोपोली।
हेडिंग डालना इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. इस चैप्टर को बच्चे जितना पॉइंट वे में लिख पाओगे, और कोशिश कर रही हूँ कि लैंग्वेज आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रहे कि किस तरीके से करना है, ताकि थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए. मैम डन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन. फर्स्ट है प्री लिबरलाइजेशन फेस. प्री लिबरलाइजेशन फेस क्या कहता है बच्चे, जब ये लाइसेंसिंग पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट थी. ऑब्वियसली प्री लिबरलाइजेशन में बहुत सारी लाइसेंसिंग प्रोसेसेस थी और पॉलिसीज का बिहेवियर क्या था, स्ट्रिक्ट एंड रिजिड. स्ट्रिक्ट था, रिजिड था. यूजुअली अगर मैं बोलू ना, बहुत लेसर रेगुलेटेड थी इकोनॉमी. तो वहां अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूं तो बहुत अच्छा प्रस्पेक्ट इसका नहीं था. लेकिन वही अगर मैं बात करती हूँ बच्चे पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज की, पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में क्या हुआ बच्चे, यूजुअली न्यू लिबरलाइज्ड पॉलिसीज आई. अब ये जो न्यू लिबरलाइज्ड पॉलिसीज थी ना बेटा, इनका एक फायदा था. इनका फायदा क्या था, ये पॉलिसीज ना मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज थी. दीज आर मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज, मतलब मार्केट के फेवर में एक्ट हो, इसीलिए ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी. सेकेंड अगर मैं बोलूं मार्केट ओरिएंटेड के साथ साथ क्या क्या ये हेल्प कर सकते हैं, तो मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो अननेसेसरी रेगुलेशंस थी वो हटा दी गई थी, रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी रेगुलेशन. नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दीज आर मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज, रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी रेगुलेशंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये लो नोट कर लो बच्चे, दोनों फेजेस प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन.
मैम डन,